नमस्कार दोस्तों, मैं शुभम शर्मा पेश हूँ लेकर आपके सामने एक नई वीडियो। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है उन लोगों के लिए जो क्लास टेंथ की बोर्ड देने जा रहे हैं, जो क्लास टेंथ का इस बार बोर्ड देने जाएंगे उन लोगों के लिए स्पेशली ये वीडियो को डिजाइन किया गया है। इस वीडियो से आपको ये फायदा होगा कि इस वीडियो में जो क्वेश्चंस मैं कवर करने वाला हूँ वो सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और वो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो पिछले सालों में पूछे भी गए हैं और इस बार भी उनके पूछने की पूरी पूरी संभावनाएं रहेंगी। तो यकीन मानिएगा कि इस वीडियो को अगर आप कवर कर लेंगे तो आप काफी हद तक अपने सिलेबस का बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इसी वीडियो के थ्रू कंप्लीट कर पाएंगे। उसका फायदा ये होगा, देखिए आप सभी जानते हैं कि अप्रैल में आप सभी के बोर्ड हैं और किसी भी हालत में अभी तक बोर्ड आपका कोई पोस्टपोन नहीं होगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि कोरोना की जो कोविड की थर्ड वेव है वो ऑलरेडी आ चुकी थी। तो इसलिए इस बार ये बोर्ड बिल्कुल होने वाला है, तो इसलिए बिल्कुल भी हल्के में ना लें और रिविजन लगातार करते रहें। अब क्या है कि हमें ये नहीं पता होता कि हम जो ये रिविजन कर रहे हैं ये रिविजन कब जाकर हम ये मानेंगे कि अब मेरा 100% रिविजन हो गया है। क्योंकि क्या है कि हम बहुत सारी चीजें वो पढ़ लेते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं होती। तो मैं शुभम शर्मा आपकी उस चीज में हेल्प करूंगा, मैं आपको बताऊंगा कि क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है और उस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैं आपको यहां पर सॉल्व भी करवाऊंगा। अच्छा, आपसे मुझे क्या चाहिए? देखिए, मैं आपसे कोई पैसे नहीं ले रहा, किसी भी तरह की कोई भी धन संपत्ति आपसे नहीं मांग रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे क्या कह रहा हूं कि आपको दो काम करने हैं। पहला कि जिस किसी ने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा, और अगर आप अभी स्टार्टिंग में नहीं करना चाहते कोई बात नहीं, आप पहले वीडियो को कंप्लीट देखिए। अगर आपको लगता है कि हाँ मैं आपके लिए कुछ अच्छा कर सकता हूं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वरना अगर आपको लगता है नहीं ऐसे तो बहुत सारे चैनल चल रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप मत करिएगा, ठीक है? क्योंकि मेरी किसी से कोई जोर जबरदस्ती होती नहीं है। और इस वीडियो का जो टारगेट रहेगा वो टारगेट रहेगा 200 लाइक्स का, यानी कि 200 लाइक्स। और आप सोचिए मैं कितना स्मॉलेस्ट टारगेट लेके चल रहा हूं, सिर्फ 200 लाइक मैं इस वीडियो पर आपसे मांग रहा हूं। तो ये 200 लाइक अगर आप देंगे तो मैं सोचूंगा कि आपने अपनी तरफ से मुझे गुरु दक्षिणा दी है, ठीक है? तो 200 लाइक तक आपको पहुंचाना है। तो आइए विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, और आज का टॉपिक रहने वाला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखिए, सबसे पहले हमको समझना होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अगर डेफिनेशन की बात करें तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल एक्स इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, वेयर ए बी सी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। आइए इस वाली कहानी को अब थोड़ा सा लैंग्वेज बेस्ड में समझ लेते हैं। हमने क्या कहा, हमने यहां पर लिखा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जो इस फॉर्मेट में हो, किस फॉर्मेट में, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो के फॉर्मेट में जो आपकी इक्वेशन होगी वो इक्वेशन कहलाएगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं आपको इसको एग्जांपल के तहत समझाता हूं। देखिए, यहां पर एक ब्लैंक शीट में मैं आपको समझाता हूं। अगर कोई इक्वेशन हमारी लिखी हुई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, इसमें क्या है, इसमें ए बी और सी ये तीनों के तीनों क्या होने चाहिए, रियल नंबर होने चाहिए। देखिए, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर सारे नंबर्स होते हैं, इसमें सभी नंबर इंक्लूड होते हैं, यानी कि भले वो पॉजिटिव इंटीजर हो भले वो नेगेटिव इंटीजर हो, वो डेसिमल नंबर हो, फ्रैक्शन हो, ठीक है, फ्रैक्शन हो या कोई भी किसी भी तरह का नंबर, रेशनल हो इरेशनल हो, तो वो सारे नंबर आपके क्या होते हैं, रियल नंबर्स होते हैं। तो एबीसी आपके कुछ भी रेशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स, किसी भी प्रकार के रियल नंबर्स हो सकते हैं, लेकिन कंडीशन ये कहती है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन ये कंडीशन जरूर वेरीफाई होनी चाहिए, यानी कि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि ए कभी भी जीरो नहीं हो सकता। कहने का मतलब क्या है कि द कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, यानी कि जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट होगा, जो एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट होगा वो नेवर भी जीरो, कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर ये जीरो हो जाएगा तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होने वाली, इस वाली बात को आपको याद रखना है। अब देखिए क्यों नहीं होने वाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की कंडीशंस होती है, क्या होती है कंडीशंस, मैं आपको वो कंडीशंस बता दूं। देखिए, पहली बात जो होती है कंडीशन में वो होती है कि किसी भी इक्वेशन, यानी कि ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, ऐसी इक्वेशन जिसकी डिग्री 2 हो, और दूसरी कंडीशन होती है वो केवल और केवल एक वेरिएबल में हो, तो हम उस इक्वेशन को हमेशा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरह डील करते हैं। हम कहते हैं कि वो इक्वेशन क्या रही होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन रही होगी। अब मैं इस बात को आपको बहुत डीपली समझाने वाला हूं कि डिग्री का मतलब क्या है, वेरिएबल का मतलब क्या है। देखिए, जो डिग्री होती है ना, डिग्री का मतलब होता है वेरिएबल की हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, यानी कि जो वेरिएबल्स होते हैं उसकी जो हाईएस्ट पावर होती है,
वो कहलाती है डिग्री। वो क्या कहलाती है? डिग्री कहलाती है। अगर मैं बात करूं वन वेरिएबल की, देखिए वेरिएबल का मतलब क्या होता है, वेरिएबल का मतलब होता है जितने भी अल्फाबेट होते हैं ए से लेकर जेड के बीच में, वो सब वेरिएबल होते हैं, वो सबके सब वेरिएबल होते हैं। तो आपकी जो इक्वेशन होनी चाहिए वो सिर्फ एक वेरिएबल में होनी चाहिए। अगर मैं कहीं पर लिख दूं ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो, तो आप देखिए इसकी मुझे डिग्री चेक करके दिखाइए। आप कहेंगे जी डिग्री जो होती है वो हाईएस्ट पावर होती है वेरिएबल की। अब आप कहेंगे वेरिएबल यहां पर क्या है, एक्स और एक्स स्क्वायर। आप ए बी सी को वेरिएबल इसलिए नहीं समझेंगे क्योंकि ये बात मैं ऊपर ही लिख चुका हूं कि ए बी और सी क्या है, रियल नंबर्स है, ये कोई वेरिएबल नहीं है, ये नंबर्स है। क्या है? नंबर्स है, यानी कि कॉन्स्टेंट है। तो आपको केवल क्या देखना है, आपको देखना है एक्स स्क्वायर और एक्स को। अब आप देखिए ये दो ही वेरिएबल आपको दिख रहे हैं और इसमें हाईएस्ट पावर क्या है, आप कहेंगे जी टू है। तो हाईएस्ट पावर को ही मैंने डिग्री बताया, तो इसका मतलब पहली कंडीशन यहां सेटिस्फाई हो गई कि इस इक्वेशन की डिग्री टू है। ठीक है, उसके बाद आपको ये चेक करना है कि वेरिएबल कितने हैं। भाई देखिए यहां पर एक ही वेरिएबल है, यहां पर भी एक्स है और यहां पर भी एक्स है, वेरिएबल तो एक ही इस्तेमाल हुआ है, यानी कि दूसरी कंडीशन भी वेरीफाई होगी। तो अगर ये दोनों कंडीशन वेरीफाई होगी दैट मींस दिस इक्वेशन इज नॉन एज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या कहलाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगी। ठीक है, अच्छा ये वाली जो कंडीशन इसमें लिखी हुई है डेफिनेशन है कि a इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब आप खुद सोचिए अगर मैं इस a को जीरो पुट कर देता, अगर मैं इस a को जीरो पुट कर देता तो मेरे भाई x स्क्वायर की अगर जीरो से मल्टीप्लाई करोगे तो जीरो हो जाता, यानी कि जीरो प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर जीरो आता। अब आप मुझे ये बताइए कि क्या इसकी डिग्री टू होगी? आप कहेंगे जी नहीं, यहां वेरिएबल है x और उस x की पावर क्या है, वन। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह कि इसकी डिग्री तो वन हो गई, जबकि हमने क्या पढ़ा है, हमने पढ़ा है कि कंडीशन कहती है कि डिग्री टू होनी चाहिए। तो इसलिए कभी भी ए की वैल्यू को जीरो पुट नहीं करना है। आप बी को जीरो कीजिए, सी को जीरो कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप ए को कभी जीरो नहीं करेंगे। ठीक है, तो वही कंडीशन उसने वहां पर लिखा हुआ। आई होप आपको यह बात समझ आ गई होगी। तो देखिए यही वाली डेफिनेशन आपकी यहां पर लिखी हुई है कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो समझ आ गया ये जीरो क्यों नहीं होता। अच्छा यहां पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक फॉर्मूला भी होता है। अब ये फॉर्मूला क्या है, इस फॉर्मूले पर भी बात कर लेते हैं। ठीक है, इस फॉर्मूले पर भी बात कर लेते हैं, इसको कर देते हैं इरेज और अब इस फॉर्मूले पर आ जाते हैं। देखिए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, जो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसके रूट्स हमको फाइंड करने होते हैं। रूट्स का मतलब क्या होता है, रूट्स का मतलब होता है फैक्टर्स। रूट्स का मतलब क्या होता है, फैक्टर्स। रूट्स का मतलब क्या होता है, इक्वेशन के फैक्टर्स। जो फैक्टर्स इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देंगे वो सारे रूट्स होंगे। ठीक है, यानी कि अगर एक्स के रूट्स में आपसे कहूं, अगर किसी इक्वेशन के रूट जैसे सपोज करो अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और बीटा जो है ये उस इक्वेशन के फैक्टर रहे होंगे। यानी कि जब इस इक्वेशन इन वेक्टर्स को उसमें पुट किया जाएगा तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएंगे, यानी कि एलएचएस बराबर आरएचएस ला देंगे। ठीक है, तो उसको बोलते हैं रूट्स या फैक्टर्स। अब जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसकी डिग्री कितनी है, मैंने आपको बताई थी इसकी डिग्री होती है टू। तो जितनी डिग्री होती है उतने ही होते हैं रूट्स। तो अगर डिग्री टू है तो इसका मतलब इसके रूट्स भी कितने होंगे, दो। और वो दो रूट्स मैंने यहां पर क्या मान लिए हैं, अल्फा और बीटा। क्या मान लिए हैं वो दो रूट्स, अल्फा और बीटा। अब इन रूट्स को निकाला कैसे जाता है, देखिए रूट्स को निकालने का फॉर्मूला होता है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी अपॉन टू। दिस इक्वेशन इज नॉन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसी को कहा जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, या इसको हिंदी बोर्ड में कहा जाता है धराचार्य फॉर्मूला, श्री धराचार्य फॉर्मूला। इसी को कहा जाता है श्री धराचार्य फॉर्मूला। ठीक है, यही कहलाता है श्री धराचार्य फॉर्मूला। अब इस इक्वेशन की हमें जरूरत क्यों पड़ी, भाई हम जो डिग्री टू थी हम उसका फैक्टराइज भी तो कर सकते थे, कर सकते थे ना। जैसे मेरे सामने एक इक्वेशन लिख दूं मैं यहां पर 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस थ्री बराबर जीरो। अब मैं आपसे कहूं कि आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, आप कहेंगे भाई बिल्कुल आसान है, इसको तो फैक्टराइज किया जा सकता है, इसको तो फैक्टराइज किया जा सकता है। पर अगर मैं आपके सामने इक्वेशन लिखूं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर जीरो, तो क्या आप इसको फैक्टराइज कर सकते हैं? देखिए ये तो आसान है कि 3 2 6 और 6 के ऐसे फैक्टर ढूंढना जिसकी मल्टीपल तो 6 आए और जिसका प्लस या माइनस करके 1 आ जाए, ऐसे फैक्टर्स तो ढूंढने आसान है। लेकिन ऐसे फैक्टर्स को ढूंढना कि जिसकी मल्टीप्लाई 306 आए और प्लस या माइनस करके 1 आ जाए, तो आप कहेंगे नहीं ये तो बहुत टिपिकल टास्क होगा। तो इस तरह की इक्वेशन को ही डील करने के लिए हमारे सामने होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, यानी कि जहां पर आप फैक्टराइज नहीं कर पाएंगे आसानी से वहां पर आप लगाएंगे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले को।
ठीक है। और हम यहां पर ऐसी ही इक्वेशंस को देखेंगे जिन इक्वेशंस में फैक्टराइज करना अपने आप में टिपिकल टास्क होगा, वहां पर हम इस्तेमाल कर देंगे इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का, यानी कि धराचार्य फॉर्मूले का। तो आई होप आपको ये इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा। आइए अपने क्वेश्चंस की तरफ आते हैं। ये वाले जो पार्ट है, देखो ये वाली जो मैंने यहां पर लाइन लिखी हुई, ये वाले पार्ट को मैं आपको समझाऊंगा जब इससे रिलेटेड सवाल आएगा, ठीक है, क्योंकि ये बात वहीं पर आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। फिलहाल हम अपने पहले सवाल की तरफ आते हैं और हमारे सामने हमारा पहला सवाल है। आपको क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से पढ़ना है। देखिए क्वेश्चन पढ़िए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। हमारे दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स की, पॉजिटिव इंटीजर्स की जो प्रोडक्ट है वो 306 है। फाइंड द इंटीजर्स, आपको इंटीजर्स फाइंड करने की, वो दो पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से होंगे, आइए हम पता लगाते हैं। देखिए कॉन्सिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है क्रमशः संख्या, यानी कि एक के बाद एक संख्या। जैसे अगर मैं वन लिख दूं तो मैं आपसे कहूंगा वन के आगे क्या आएगा, आप कहेंगे जी टू आएगा, टू के आगे क्या आएगा, आप कहेंगे जी थ्री आएगा, थ्री के आगे क्या आएगा, आप कहेंगे फोर आएगा। तो ये क्या है, ये आपके कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। ये क्या है, ये कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, ये कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, इन्हें बोलते हैं कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। क्यों, एक के बाद एक संख्या जो होती है वो कहलाती है कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर, अप टू डॉट डॉट इनफाइनाइट तक ही नंबर्स हो सकते हैं। हम क्या करते हैं, हम लेट कर लेते हैं कि हमारा पहला कॉन्सिक्यूटिव नंबर रहा होगा x और दूसरा कॉन्सिक्यूटिव नंबर में क्या होगा। अब आप देखिए वन से टू कब हुआ होगा, आप कहेंगे प्लस वन करके, टू से थ्री कब हुआ होगा, आप कहेंगे प्लस वन करके, थ्री से फोर कब हुआ होगा, आप कहेंगे प्लस वन करके। तो अगर मैंने पहला नंबर x माना है तो दूसरा नंबर में क्या ऐड करेंगे, आप कहेंगे जी वन ऐड कर देंगे। तो हमने लेट कर लिया कि x और x1 जो है ये कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे हैं जी, ये कॉन्सिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स है, ठीक है, इनको हमने लेट कर लिया। अब वो हमसे कह रहा है कि इनकी प्रोडक्ट, प्रोडक्ट का मतलब क्या है, इन दो कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर्स को आपको लेना है और इनकी आपस में क्या कर देनी है, प्रोडक्ट कर देनी है। और इसकी प्रोडक्ट किसके बराबर है, ये लिखी हुई है 306 के बराबर, यही तो लिखा हुआ है 306 के बराबर है। अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे x की मल्टीप्लाई जब आप x के साथ करेंगे तो आप कहेंगे ये आएगा जी x स्क्वायर, जब इस x की मल्टीप्लाई 1 के साथ करेंगे आप कहेंगे हो जाएगा प्लस का x और बराबर 306। जब इस प्लस 306 को इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 306 बराबर जीरो। अब देखिए अब हमारे सामने वही फिर से विपदा आ जाती है कि हम करने को तो इसका फैक्टराइज भी कर सकते हैं, लेकिन हम इसका फैक्टराइज इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि अपने आप में ये जो डिजिट है ये काफी बड़ी डिजिट हो जाती है। भाई इसका प्रोडक्ट ही 306 आ रहा है तो हमें दो नंबर ऐसे सोचने हैं जिसकी मल्टीप्लाई तो यही आए और प्लस या माइनस करके वन आ जाए। तो ऐसे नंबर्स को सोचने में जितना समय लगाएंगे उससे ज्यादा बेहतर होगा कि हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाकर इस सवाल को जल्दी से जल्दी सॉल्व कर दें। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, देखो ये तो हमारी इक्वेशन आई जो सवाल ने बनाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है अभी तो मैं यहां पर आपको लिख के दिखा रहा हूं, लेकिन आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी अगर आप धीरे धीरे इन बातों को समझते चले जाएंगे तो आप डायरेक्ट ए बी सी की वैल्यू निकालना सीख जाएंगे। देखिए ये हमारी क्या है, ये हमारी वो जनरल इक्वेशन है जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती ही होती है, ठीक है, जो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की होती है। अब देखिए एक्स स्क्वायर के साथ यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो ए की वैल्यू क्या होगी, आप जीरो थोड़ी कहेंगे क्योंकि अभी मैंने पहले ही बता दिया कि ए की वैल्यू कभी जीरो हो ही नहीं सकती, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या लिखा हुआ है यहां पर, वन लिखा हुआ है। तो आप कहेंगे जी ए की वैल्यू है वन, बी की वैल्यू क्या है, आप कहेंगे बी की वैल्यू भी हो जाएगी वन, ठीक है, क्योंकि जब एक्स आपको यहां दिख रहा है तो इसका मतलब बी कुछ तो रहा होगा और जब कुछ भी नहीं दिख रहा तो इसका मतलब वन रहा होगा। सी की वैल्यू क्या होगी, सी की वैल्यू होगी माइनस 306। अब देखिए ये वाली बात आपको हो सकता है थोड़ी सी अटपटी लगी हो कि मैंने सी की वैल्यू को 306 ना लिख के माइनस 306 क्यों लिखा। देखिए आप अगर आप अपने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस देखेंगे तो हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हर जगह प्लस का साइन हमें मौजूद दिख रहा है, जबकि जो इक्वेशन हमने इक्वेशन बनाई है क्वेश्चन से उसमें हमें नेगेटिव साइन मिला। अब आप खुद देखो कि आपका यहां तो है पॉजिटिव साइन फॉर्मूले में और आपको इक्वेशन में मिला है नेगेटिव साइन, तो इसका मतलब ये नेगेटिव साइन ये नंबर ही तो अपने साथ लेकर आया है। भाई पहले से तो यहां साइन नहीं था नेगेटिव, इस नेगेटिव साइन को लेकर कौन आया है, आप कहेंगे ये नंबर अपने साथ नेगेटिव साइन लेके आया तो यही नंबर अलग से अपने साथ नेगेटिव साइन रख के रखेगा, ठीक है, ये अपने साथ नेगेटिव साइन को रखेगा। अब आइए हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला है एक्स बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जल्दी से पुट करिए, माइनस देखिए b कितना है, आप कहेंगे 1, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर 1 हो गया माइनस 4, a कितना है, आप कहेंगे a है 1
और सी है माइनस का 306, माइनस का 306 और अपॉन 2a का मतलब क्या हो गया, 2 ही हो गया क्योंकि a कितना है 1। सॉल्व करेंगे आप कहेंगे माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 1 प्लस, देखिए एक माइनस ये रहा मल्टीप्लाई में और एक माइनस ये रहा, तो मल्टीप्लाई में जब दो माइनस एक साथ मिलते हैं तो क्या बन जाता है, क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। और देखिए ये वाली बात आपको बताने की आवश्यकता भी नहीं है क्योंकि अब आप इतनी छोटी क्लास में नहीं है कि आपको ये बताना पड़े कि दो माइनस मिलकर प्लस बनेंगे, ठीक है। तो अब यहां पर हमने ये देख लिया, अब 306 की जब हम 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 6 4 24 4 3 12 यानी कि 12 24 और अपॉन में हो जाएगा 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास कितना आएगा, माइनस 1 प्लस माइनस अंडर रूट 12 25 बटे 2, ठीक है। अब इसको 12 25 का रूट कितना होता है, आप कहेंगे जी 12 25 का रूट होता है 35, कितना होता है 35। अब आप सोच रहे होंगे मुझे ये डायरेक्ट रूट कैसे पता है, देखिए मैंने इस स्क्वायर रूट को फाइंड करने के लिए एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, तो जिस किसी को भी आसानी से स्क्वायर रूट फाइंड करना सीखना है वो इस आई ऑप्शन पे आपको उस वीडियो का लिंक आ रहा होगा, उस वीडियो पर जाकर आप स्क्वायर रूट को फाइंड करना सीख सकते हैं। आप चाहे तो इस वीडियो के बाद सीख लीजिएगा और चाहे तो वीडियो से पहले सीख लीजिएगा, चॉइस इज योर्स, ठीक है। अब जब हम यहां पर देखेंगे, देखो अब हमारे पास पूरी क्वेश्चन सॉल्व होगी। अब प्लस माइनस का मतलब क्या है कि एक रूट होगा जो हमारे पास प्लस के साइन में होगा यानी कि माइनस 1 प्लस 35 अपॉन 2 होगा और एक रूट होगा जो नेगेटिव साइन में होगा यानी कि माइनस 1 माइनस 35 अपॉन 2 होगा। अब देखिए ये नंबर तो आपको नेगेटिव नंबर देगा, अरे ये नंबर तो आपको नेगेटिव नंबर देगा क्योंकि माइनस माइनस भले ही प्लस हो जाए लेकिन साइन तो माइनस का देगा और ऊपर सवाल में पहले ही बोल दिया गया था कि पॉजिटिव इंटीजर है, तो यानी कि इस वैल्यू को सॉल्व करने का कोई तुक नहीं बनता क्योंकि ये वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएगी क्योंकि ये आपको नेगेटिव नंबर देगी और नेगेटिव इंटीजर की तो बात ही नहीं हुई, सवाल में बात ही पॉजिटिव इंटीजर की हो रही थी, है ना। तो इसका मतलब बस हम इसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए माइनस 35 माइनस 1 प्लस 35 अपॉन 2 यानी कि ये हो जाएगा 34 अपॉन 2 और 34 से 2 को काटेंगे तो आंसर आएगा 17 यानी कि जो हमारा पहला नंबर होगा, भाई हमने क्या माना था, हमने पहले नंबर को x माना था तो x हमारा हो गया 17, तो बताओ अगला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा, आप कहेंगे अगला कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर 17 के बाद क्या आएगा 18 और आप इन दोनों की प्रोडक्ट करके देख लीजिए, इन दोनों की प्रोडक्ट आपको 360 मिलेगी, इन दोनों की जो प्रोडक्ट होगी वो आपको 306 ही मिलेगी। तो आई होप आपको ये वाला सवाल समझ आ गया होगा, मैंने बहुत ही सरल तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है और जिस किसी को भी अभी भी थोड़ी सी दिक्कत है तो कोई बात नहीं, आप इस सवाल का सॉल्यूशन फिर दोबारा से बैक साइड जाकर देखिए आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। बहुत बेसिक से बेसिक चीजें मैं आपको बताता हुआ चलता हूं, तो आइए अब अगले सवाल पर चलते हैं। ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ट्रेन से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देखेंगे तो यहां से सवाल आया हुआ है। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि मैं जो आपके सामने सवाल लेकर आऊंगा वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड सवाल होंगे, कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो इसमें बेवजह रखा हुआ होगा, तो इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, हकीकत में ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और भाई देखो मैं सिर्फ कह ही सकता हूँ, समझना तो आपको है, अगर आपको लगता है कि मुझे देखनी चाहिए तो देखिए, नहीं तो कोई बात नहीं, आप जैसे तैयारी कर रहे हैं भाई वैसे ही करते रहिए, मेरी तो बेस्ट विशेस तब भी आपके साथ है, ठीक है। आइए, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर की दूरी को तय करती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है कि वो स्पीड जो थ्रू आउट द डिस्टेंस चेंज ही ना हो, यानी कि अगर मैं अपने घर से कहीं स्कूल तक जाता हूं तो मैं अगर सेम स्पीड से जाऊंगा, मैं यहां पर भी 40 किलोमीटर पर आवर से था, यहां पर भी 40 किलोमीटर पर आवर से था और यहां पर भी 40 किलोमीटर पर आवर से था, तो मेरी स्पीड जो है वो हर जगह सेम ही तो रही, इस तरह की स्पीड को कहा जाता है यूनिफॉर्म स्पीड। क्या कहेंगे इसको, यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि जो थ्रू आउट द डिस्टेंस चेंज ही ना हो। तो वो कह रहा है कि एक ट्रेन है जो 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ ट्रेवल करती है, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, यानी कि अगर स्पीड को 8 किलोमीटर प्रति घंटा घटा दिया जाए देन इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस, तो उसी दूरी को तय करने में उस ट्रेन के द्वारा 3 घंटे ज्यादा लगेंगे। अब आपसे पूछ रहा है भैया ये बता दो कि ट्रेन की स्पीड क्या है, तो आइए सवाल को समझते हैं ध्यान से। भाई देखो हमने माना कि ट्रेन यहां से चलती है और यहां तक चलती है, कितनी डिस्टेंस है ये, आप कहेंगे जी 480 किलोमीटर है, 480 किलोमीटर है। सपोज करो कि दिल्ली से चली और जयपुर तक आई, 480 किलोमीटर की ये दूरी है, ठीक है, सपोज कर लेते। हमने कहा हमें
इसने कहा कि दिल्ली से जयपुर जो आती है ना वो यूनिफॉर्म स्पीड पर जाती है, आप हैं तो पता नहीं है स्पीड कितनी है, तो हम क्या करते हैं हम लेट कर लेते हैं कि उसकी स्पीड कितनी है। उसकी स्पीड एक्स किलोमीटर पर आवर है, यानी कि वो एक्स किलोमीटर पर आवर से 480 किलोमीटर को कवर कर रही है। अब वो कह रहा है, ये तो केस वन हो गया, ये तो केस वन हो गया, लेकिन वो केस टू में क्या कह रहा है, अगर ट्रेन अपनी स्पीड को, अगर ट्रेन अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर घटा दे, देखो दिल्ली से ही चले जयपुर तक आए 480 किलोमीटर को ही कवर करे, लेकिन इस बार वो 8 किलोमीटर की अपनी स्पीड को घटा दे, तो अगर x माइनस 8 वो अपनी स्पीड कर दे तो वो यहां पर अपने निश्चित समय से, यानी कि जो समय यहां पर लिया होगा उससे 3 घंटे फालतू लेगी। कितने घंटे? 3 घंटे फालतू लेगी यहां पर, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है तो स्पीड बताइए। भाई देखिए हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, हमारे पास फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, कि डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। क्या होती है? डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड इनटू टाइम। अब मुझे यहां से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर मैं देखूं, मुझे जल्दी से बताओ केस वन में कितना टाइम लेगी। आप कहेंगे केस वन में जो टाइम होगा, अभी टाइम का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर डिस्टेंस बराबर स्पीड अपॉन टाइम है तो टाइम बराबर हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अरे इसी से फॉर्मूला बन जाएगा टाइम का, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब आप मुझे जल्दी से बताओ डिस्टेंस कितनी, आप कहेंगे 480 किलोमीटर, और स्पीड कितनी, आप कहेंगे x। यानी कि वो ओरिजिनल जो टाइम लेती है, वो ओरिजिनल जो टाइम लेती है, मतलब जब वो अपनी यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है उस वक्त जो वो समय लेती है वो कितना समय लेती है, तो वो समय लेती है 480 अपॉन x। लेकिन अगर वो अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर घटा दे तो तब समय कितना लेगी, आप कहेंगे तब जो समय होगा वो होगा, डिस्टेंस तो 480 को ही कवर कर रही है लेकिन इस बार किस स्पीड से कर रही है, तो वो बोल रहा है x माइनस 8 के आवर से, यानी कि 480 अपॉन x माइनस 8 के टाइम। यानी कि यहां पर समय इतना लिया जा रहा है और यहां पर समय इतना लिया जा रहा है। अच्छा ये जो समय है ना ये कब है, जब उसने अपनी स्पीड को 8 किलोमीटर पर आवर घटा दिया, और ये समय कब है, ये तब है जब वो यूनिफॉर्म स्पीड x किलोमीटर पर आवर से चल रही थी। तो वो बोलता है जब वो अपनी 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को घटा देती है ना, तो उसके घटने से क्या होता है कि पहले वाले समय से 3 घंटे फालतू लगते हैं। कितने लगते हैं? 3 घंटे फालतू लगते हैं। भाई ये क्या था, ये पहले वाला समय था जब वो यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही थी, और ये समय कौन सा है, ये समय जब है जब उसने 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अपनी स्पीड को घटा दिया। तो 3 घंटे फालतू किससे लगेंगे, पहले वाले समय से ही तो 3 घंटे फालतू लगेंगे। तो ये आपके सामने क्या बन के आ गई, ये आपके सामने बन के आ गई इक्वेशन। और जब एक बार इक्वेशन बन जाती है तो दिल को पड़ती है बड़ी ठंडक। आइए अब इसको निकालते हैं सॉल्व करके, इसको कर देते हैं रफ। देखिए हमारे पास जो इक्वेशन बन के आई वो क्या आई, हमारे पास इक्वेशन बनी है 480 अपॉन x माइनस 8 बराबर 3 प्लस 480 अपॉन x। भाई इस वाली इक्वेशन को इधर उठा के इधर लियो, तो आप कहेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 480 अपॉन x माइनस 8 माइनस 480 अपॉन x बराबर कितना बचेगा, आप कहेंगे जी 3 बचेगा। अब देखिए सोल्व कैसे करेंगे, सोल्व करने का तरीका होगा कि आप एक काम कीजिए 480 को बाहर निकाल लीजिए। भाई ये तो दोनों से ही आ सकता है, देखो 480 यहां पर भी है, 480 यहां पर भी है, दोनों में आ रहा है, मैंने बाहर कॉमन कर दिया। कॉमन करने के बाद ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, आप कहेंगे 1 अपॉन x माइनस 8, यहां क्या बचेगा 1 अपॉन x, और बराबर में क्या होगा, बराबर में होगा 3। भाई अब इसका एलसीएम आपको लेना है, एलसीएम ले लीजिए। आप कहेंगे एलसीएम लेकर जो आएगा वो आएगा ऊपर आ जाएगा x माइनस, इधर आ जाएगा x माइनस 8, और अपॉन में क्या हो जाएगा, दोनों की मल्टीप्लाई, दोनों की मल्टीप्लाई बराबर 3। ठीक है 480 x माइनस, देखो अब जब माइनस के बाद ब्रैकेट ओपन करोगे तो साइन चेंज करेगा, प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में, अपॉन x की इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, आप कहेंगे x का x में करोगे x स्क्वायर माइनस, और x की 8 में करोगे तो 8x बराबर 3। कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 480, देखो x से तो x कट गया, 480 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 बराबर 3। ठीक है तो हमारे पास अब इस 480 को हम क्या करते हैं, इस 480 को यहां से उठा के 3 के नीचे ले आते हैं। जब हम 3 के नीचे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, देखो 8 अपॉन x स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 अपॉन 480। इसको अगर हम कट करेंगे यहां से तो ये हो जाएगा 3 1 जा 3 और यहां हो जाएगा 160।
हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी, माफ कीजिएगा इसको रफ कर देते हैं, हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी 8 × 160, भैया डू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x। क्या कर दी हमने, डू क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए मैंने पहले ही कहा था कि ये आपके रिवीजन के तौर पर क्लास है, तो इतनी चीजें तो मैं आपसे एक्सपेक्ट करता हूं कि आपको डू क्रॉस मल्टीप्लाई करनी आती है, एलसीएम निकालने आते हैं, मल्टीप्लाई करनी आती है, ठीक है, क्योंकि जिसको ये भी नहीं आता भाई फिर उसको क्या ही आता है। 16 8 जब आप इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो ये हो जाएगा 12 80 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 8x। अब देखिए इस 1280 को इधर लिया, तो इधर ले आओगे इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 8x माइनस 12 80 बराबर 0। अब मेरे भाई खुद सोचो क्या आप इसको फैक्टराइज कर पाओगे, आप देख रहे हो कि कितना बड़ा नंबर आया है 12 80, यानी कि मल्टीप्लीकेशन जो आई है वो 1280 आई है, तो इसकी मल्टीप्लीकेशन आसान थोड़ी होगी। तो इसलिए तो हमारे पास श्रीधराचार्य फॉर्मूला है इस इक्वेशन को डील करने के लिए। अब आप देखो इसके नीचे अपनी जनरल इक्वेशन लिखो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। जल्दी से कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू मिली 1, b की वैल्यू मिली माइनस 8 और c की वैल्यू मिली माइनस 281280। ठीक है भाई, माइनस अपने साथ ही लेके जाएंगे क्योंकि फॉर्मूले में तो प्लस है सब में। अब हमारी इक्वेशन होती है, जो फॉर्मूला होता है वो होता है x बराबर माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। सॉल्व करते हैं, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए कितना आएगा, ये आएगा, देखो ऑलरेडी यहां पर माइनस 8 है और एक माइनस फॉर्मूले में भी है, तो दो माइनस मिलके आपस में हो गए प्लस, यानी कि प्लस का 8 बन गया, प्लस माइनस अंडर रूट, भाई माइनस का अगर आप स्क्वायर करोगे आंसर हमेशा पॉजिटिव में ही बाहर निकलेगा, तो माइनस 8 का स्क्वायर करोगे तो ये 64 ही बनेगा। ठीक है, माइनस 4 मल्टीप्लाई ए कितना है 1 और सी कितना माइनस 1280, माइनस को यहां पर ले आते हैं तो प्लस बना देगा और 1280 और अपॉन में 2, क्योंकि ए की वैल्यू क्या है 1 है। इसको सॉल्व करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, सॉल्व करके आएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट 64 प्लस कितना आएगा, ये मल्टीप्लाई करके आएगा 8 4 जा 32, 12 4 48, 48 और 3 51, यानी कि 5120 आ गया मल्टीप्लाई करके और अपॉन में 2। ठीक है, सॉल्व करेंगे और फर्दर सॉल्व करते हैं तो कितना आएगा 8 प्लस माइनस अंडर रूट, इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4 6 2 8, ठीक है 1 और 5 और अपॉन में कितना आएगा, अपॉन में आ गया 2। देखिए 8 प्लस माइनस, अब इसका जो रूट होता है भाई मैंने आपको पहले ही बताया था, इसको सीखने के लिए आपको मेरी पुरानी वीडियो देखनी होगी, मैंने वहां रूट निकालने सिखाए हुए, तो 8 प्लस माइनस 72 अपॉन 2 हो जाएगा। अब जैसे ही हो जाएगा तो एक वैल्यू तो आपको लेनी है प्लस में, ठीक है, और एक वैल्यू आपको लेनी है माइनस में, एक वैल्यू आपको लेनी है माइनस में। देखो नेगेटिव वाली को तो आप वैसे भी नेग्लेक्ट करोगे, क्यों करोगे, क्योंकि आप खुद सोचो क्या स्पीड कभी नेगेटिव हो सकती है, नहीं, तो यानी कि इस वैल्यू को तो मैंने कर दिया नेग्लेक्ट, क्योंकि यहां से मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी, यहां से मुझे नेगेटिव वैल्यू मिलेगी माइनस 64 अपॉन 2, यानी कि यहां से स्पीड निकल के आएगी माइनस 32 जो कि पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए इस वैल्यू को तो मुझे नेग्लेक्ट करना पड़ेगा। इस वैल्यू को मैं फाइंड कर लेता हूं, कितना आएगा ये, यहां पर ये आपका आ जाएगा 72 प्लस 8 प्लस करके आ जाएगा 80 और अपॉन में आ गया 2। जब आप इसको इससे कट करेंगे तो 2 से 80 कटेगा 40 बार, यानी कि जो हमने x माना था उस x की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आई है 40, यानी कि जो यूनिफॉर्म स्पीड होगी वो कितनी होगी, वो यूनिफॉर्म स्पीड होगी 40 किलोमीटर पर आवर। दिस इज योर आंसर, दिस इज योर आंसर। और आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, आपको ये पीडीएफ मिलेगी। ये पीडीएफ कहाँ अवेलेबल होगी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, वहां पर ही आपको वीडियो विद सॉल्यूशन मिलेगी, ठीक है। लेकिन मैं फिर आपसे कहता हूं कि मेरी जो आपसे उम्मीद है वो उम्मीद ये है कि आपको सॉल्यूशन देखने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। आपको क्या करना है, आपको मेरे साथ इस सवाल को समझना है, उसके बाद मेरी वीडियो को पोस्ट करना है और उस सवाल को फिर अपने आप से करना है, ठीक है, तभी आप इसको हैंड टू हैंड मेरे साथ खत्म कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि बाद का काम तो बाद ही रह जाता है और बात करते करते अप्रैल कब में आ जाएगा पता भी नहीं चलेगा, ठीक है दोस्तों। तो ये क्या हो गया, x बराबर 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। आप इस वाली बात को तो समझ गए ना, हमने इसको नेग्लेक्ट क्यों करा था, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा था, क्योंकि नेगेटिव में कभी भी स्पीड नहीं हो सकती, इसलिए इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया था, ठीक है। आइए अब अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, फाइंड टू नंबर्स हूज सम इज 27
एंड प्रोडक्ट इज 182, यानी कि हमें ऐसे दो नंबर्स को ढूंढना है जिसकी प्रोडक्ट 182 हो और जिसका सम 27। भाई हमें वो दो नंबर नहीं पता, तो हमें करने होंगे लेट। हमने मान लिया कि वो दो नंबर्स हैं x एंड y। कौन कौन से नंबर हैं? x और y। अब आप कहेंगे जी x और y कैसे करेंगे आप सोल्व, तो आइए हम बताते हैं कैसे सोल्व करेंगे। भाई अगर सम की बात करें तो वो कह रहा है कि x प्लस y का जो सम है ना वो कितना है, वो 27 है। और फिर कह रहा है इन दोनों की जो प्रोडक्ट है यानी कि x और y की जो प्रोडक्ट है वो 182 है। लेकिन मैंने तो आपसे कहा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल सिर्फ एक होता है, यानी कि ये y तो यहां पर एक्स्ट्रा दिख रहा है, तो इस y को तो हटाना पड़ेगा। चलिए हटाते हैं। देखिए यहां से आप y की वैल्यू निकालिए, आप कहेंगे यहां से वैल्यू y की आएगी, इस x को जब मैं इधर लाऊंगा तो 27 माइनस x, y की कितनी वैल्यू आ गई 27 माइनस x। इस वैल्यू को आपको इस इक्वेशन में पुट कर देना है, x y की जगह यहां पुट कर दो 27 माइनस x बराबर 182। मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो 27 की x में करेंगे 27x माइनस x स्क्वायर बराबर 182। हमारी जो प्राथमिकता होती है या हमें जो प्रायोरिटी देनी होती है वो ये करनी होती है कि हमें अपना x स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रखना है, लेकिन यह नेगेटिव है तो इसका मतलब इस पूरी इक्वेशन को उठा के धर लिया, तो इक्वेशन क्या बन जाएगी, जो माइनस का एक्स स्क्वायर है वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का 27x था वो माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और यहां तो ऑलरेडी 182 प्लस में था, यानी कि आपके सामने इक्वेशन बन के आ गई। और जब आपके सामने एक बार इक्वेशन आ जाए जल्दी से ए बी और सी पता लगा लो। अब तो डायरेक्ट पता लगा सकते, ए हो गया 1, बी कितना हो गया माइनस 27 और सी कितना हो गया 182। और जब हमें ये पता चल गया तो अब हम क्या करेंगे, अब हम लगाएंगे अपने धाराचार्य फॉर्मूला को। क्या है धाराचार्य फॉर्मूला, x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब इसमें वैल्यू पुट करो, देखो माइनस बी का मतलब क्या है, अब देखो ऑलरेडी यहां b माइनस का 27 है, एक माइनस तो इस b के पास, एक माइनस इस फॉर्मूले में पास, दो माइनस मिलकर तो इसको बना देंगे प्लस, यानी कि ये तो हो जाएगा 27 प्लस का, प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ, देखिए 27 का जो स्क्वायर होता है यानी कि 27 का जो स्क्वायर होता है वो होता है 729। अगेन मैं आपसे वही बात कहूंगा कि अगर आपको स्क्वायर स्क्वायर रूट या क्यूब रूट फाइंड करने सीखने हैं तो मेरी आप शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियोस देखिए, ऑलरेडी वो प्लेलिस्ट में डली हुई है, आराम से देखिए आपको वहां बात समझ आ जाएगी, ठीक है। माइनस अब 4ac लिखा हुआ है तो 4 कितना है, 4 तो 4 ही है, a की वैल्यू है 1 और c कितना है 182, ठीक है। और अपॉन में 2a का मतलब हो गया 2, यहां से क्या आएगा, यहां से आएगा 27 प्लस माइनस, देखिए ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 729 माइनस, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 728 और अपॉन में हो जाएगा 2। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, 27 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 बराबर 2, ठीक है। अपॉन 27 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होगा भाई, 1 ही होगा, 1 की यही दो खासियत है, 1 का स्क्वायर कर लो तो भी 1, 1 का रूट कर लो तो भी 1, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। अब मैंने आपसे बोला था कि अगर x की आपकी वैल्यू फाइनल आ गई है, अब आप इसके दो रूट निकालेंगे, एक रूट होगा x1 जो वैल्यू प्लस करके आएगा, यानी कि 27 प्लस 1 अपॉन 2, तो यहां से कितना आएगा, आप कहेंगे 28 अपॉन 2 और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, यानी कि 14, कितना आएगा 14। दूसरा नंबर देखते हैं x2 का मतलब होगा 27 माइनस 1 अपॉन 2, यानी कि ये हो जाएगा 26 अपॉन 2, यानी कि इसको काटेंगे तो ये आएगा 13, ये आएगा 13। अब देखिए हमने जो नंबर माना था, हमने अपने नंबर को एक x माना हुआ है एक y माना हुआ है, अगर मैं x की वैल्यू को पुट करता हूं 14, क्योंकि दोनों वैल्यू पॉसिबल है इसलिए दोनों ही पुट करनी पड़ेंगी। अगर आप x की वैल्यू को 14 पुट करते हैं तो देखिए x तो हो जाता है 14 और जो y था, y कितना था 27 माइनस x, 27 माइनस x का मतलब है 27 माइनस 14, कितना आ जाएगा, आप कहेंगे 13, तो बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है। देखिए 14 प्लस 13 भी 27 और 14 की 13 में मल्टीप्लाई करोगे तब भी 182। लेकिन ये जो दूसरी वैल्यू निकल के आई है ना, यहाँ पर ये भी सेटिस्फाई कर रही है, इफ x बराबर 13, कहीं आप इसको नेगलेक्ट कर दो, आपकी बार नेगेटिव में कोई वैल्यू नहीं आई है इसलिए नेगलेक्ट मत कर देना। तो x की वैल्यू अगर आप 13 मान लेते हो तो y की वैल्यू क्या होगी, आप कहेंगे 27 माइनस 13 जो कि क्या वैल्यू देगी आपको 14, तो ये भी बात सही है। तो इस बार ये दोनों ही आंसर है, ये भी आंसर है और ये भी आंसर है, यानी कि x की वैल्यू 14 भी हो सकती है, 13 भी हो सकती है, y की वैल्यू 13 भी हो सकती है और 14 भी हो सकती है।
तो ये इस सवाल का आंसर है। अब आप मुझे जल्दी से बताइए क्या ये आपको सवाल समझ आ गया है, और अगर आपको समझ आ गया है और आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे और 200 लाइक्स के अचीव को अचीव करवाएंगे, 200 लाइक्स का जो मेरा एम है। क्योंकि यकीन मानिए अगर आपने मेरा एम अचीव करवाया तो मैं साइंस की भी ऐसे ही स्पेशल क्वेश्चंस की सीरीज लाऊंगा, और मतलब मैं आपको बता नहीं सकता कि मैं यहाँ पर जो सवाल लेकर आऊंगा वो बोर्ड में 101% पूछे ही जाएंगे, वहां से आपको कुछ ना कुछ सवाल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। क्योंकि आपको मैं बताना चाहूंगा कि मेरे को 8 ईयर्स का एक्सपीरियंस है इसी में, ठीक है। मैं ऑफलाइन बैच पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन में अब स्टार्ट कर रहा हूँ, तो अगर आप मेरा साथ देंगे तो मैं ऑनलाइन आपको फ्री स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा, ठीक है। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारे सामने है, द एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड का मतलब होता है हाइट, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, इफ द हाइपोटेनियस इज 13 सेंटीमीटर फाइंड द अदर टू साइड्स। यानी कि हमारे पास एक राइट ट्रायंगल है, हमने एक राइट ट्रायंगल बनाया, ये देखिए एक राइट ट्रायंगल है, ठीक है, ड्राइंग मेरी ऐसी है माशाल्लाह। ये क्या है, ये यहां पर एक 90 डिग्री, ये हमारा एक 90 डिग्री है। अब क्योंकि उसने कहा है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, देखो यहां पढ़ो ना कि राइट ट्रायंगल है, राइट ट्रायंगल में मतलब क्या होता है कि ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री है। वो कह रहा है कि इसमें जो बेस है ना वो 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि जो एल्टीट्यूड है, जो हाइट है, वो बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। यानी कि अगर मैं बेस को एक्स मान लूं तो एल्टीट्यूड क्या हो जाएगा, इससे 7 कम, यानी कि वो एक्स माइनस 7 हो जाएगा, ठीक है। और हाइपोटेनस कितना दे रखा है, 13। लो सवाल हो गया सोल्व, सवाल देखो कैसे सोल्व हो गया। अब आप कहेंगे भी राइट एंगल ट्रायंगल है, पाइथागोरस थ्योरम सभी ने पढ़ी है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, हे भगवान ये भी हमें चलाना आ ही जाएगा धीरे धीरे, है ना। क्या कहती है पाइथागोरस थ्योरम, कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। देखिए हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्रायंगल, इस ट्रायंगल की लॉन्गेस्ट साइड आपको देखने में पता चल रही है कि 13 है, तो 13 का स्क्वायर प्लस बेस क्या माना है आपने, बेस को आपने एक्स माना है, एक्स स्क्वायर प्लस, और परपेंडिकुलर कितना है, एक्स माइनस 7, क्योंकि वो बेस से कितना कम है, 7 कम है। बस अब आप इसको सोल्व कीजिए, जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 13 का स्क्वायर कितना आएगा, आप कहेंगे 13 का स्क्वायर आएगा 169, एक्स स्क्वायर प्लस। अब यहां को जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो केवल ऐसा मत करना कि x का स्क्वायर कर दो और 7 का स्क्वायर कर दो, नहीं जी, यहां लगेगी आइडेंटिटी, कौन सी, a माइनस b के होल स्क्वायर की, क्या होती है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। मैं बच्चों से जब मैं पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि इन आइडेंटिटीज को आप हमेशा याद रखिए, क्योंकि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें अगर आपको फॉर्मूला पता है, सूत्र पता है, तो सवाल आसानी से बन जाता है, ठीक है। और मैथ ही वो आपका सब्जेक्ट है जो आपके ओवरऑल मार्क्स में या ओवरऑल परसेंटेज में इंक्रीमेंट ला सकता है, क्योंकि यहां पर सारा खेल क्या है, यहां पर सारा खेल कैलकुलेशंस का है, प्रैक्टिसेस का है, यहां पर आप रट नहीं सकते किसी भी चीज को, ठीक है। कुछ चीज बना के नहीं लिखनी, क्योंकि सब चीज के लिए एक फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले को अगर आपने सीख लिया तो सॉल्यूशन अपने आप निकलने लगते हैं। तो इसलिए मैथ अपने आप में इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, तो मैथ में हमेशा इंटरेस्ट बना रहना चाहिए। जो लोग इससे डरते हैं वो फिर डरते ही रह जाते हैं, ठीक है। आप देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर जब आप खोलेंगे, a स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर हो गया 49, और माइनस 2ab का मतलब 2x और इंटू 7 यानी कि 14x, यानी कि 14x। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 169 बराबर x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस के 49, ठीक है। सॉल्व कीजिए, आप कहेंगे 169 बराबर आएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x, और इस 49 को भी अगर मैं इधर ले आऊं ना, तो इधर लाके अगर माइनस करते हैं, एक काम करते हैं हम इसको माइनस ही कर देते हैं, ठीक है, हम इसको माइनस ही कर देते हैं, हम क्या करते हैं इसको यहीं रहने देते हैं, इसको यहां से उठा के यहां ले आते हैं। जब यहां लाओगे तो 169 माइनस 49 कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 14x बराबर कितना आएगा 120, है ना। अब जरा ये देखो, क्या ये पूरी इक्वेशन 2 से डिवाइड होती हुई नहीं दिख रही आपको, देखो ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। अरे कर लो यार, इक्वेशन छोटी बन जाएगी, जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस इसे करोगे तो 7x और बराबर हो जाएगा 60। इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 बराबर 0, माइनस 60 बराबर 0।
अब इसको आप चाहो तो फैक्टराइज कर लो, क्योंकि इक्वेशन तो छोटी है, और अगर इक्वेशन छोटी है तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप इसको फैक्टराइज कर लो, वो ज्यादा आसान पड़ेगा। देखो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन एक्स माइनस सिक्सटी बराबर जीरो। फैक्टराइज कैसे करते हैं, हम फर्स्ट एंड लास्ट की मल्टीपल देखते हैं। जब आपने देखा कि एक्स स्क्वायर के साथ कुछ भी नहीं, आप वन मान लो यहाँ पर, तो वन और सिक्सटी की मल्टीप्लाई क्या आ रही है, आप कहेंगे वन और सिक्सटी की मल्टीप्लाई साठ आ रही है। अब साठ के दो ऐसे नंबर चाहिए जिनका माइनस होकर सेवन आ जाए, आप कहेंगे लीजिए बारह और पांच। देखो बारह और पांच की मल्टीप्लाई करोगे तो साठ आ जाएगा, और माइनस करोगे तो सात आ जाएगा, यही तो चाहिए। तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस, बस सेवन की जगह लिखना है इसको, ट्वेल्व माइनस फाइव, और बाकी बिल्कुल सेम रहने देना जो भी प्रोसेस चल रहा था। ब्रैकेट ओपन करेंगे, आप कहेंगे एक्स स्क्वायर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस माइनस प्लस फाइव एक्स और माइनस सिक्सटी बराबर जीरो। ठीक है, देखो इसमें से क्या कॉमन आ सकता, आप कहेंगे इसमें से एक्स कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा एक्स माइनस टू प्लस, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा दोनों में से, आप कहेंगे सिर्फ फाइव कॉमन आ सकता है, क्या बचेगा एक्स माइनस टू बराबर जीरो। अब देखो एक्स माइनस ट्वेल्व इस ब्रैकेट भी में भी है और इसमें भी है, तो इसको तो निकाल लेते हैं हम एक करके कॉमन, और हमें दूसरे ब्रैकेट में क्या बचेगा, एक एक्स बचेगा और एक फाइव बचेगा, बराबर हो जाएगा जीरो। अब देखो अगर आप एक्स माइनस ट्वेल्व को जीरो के बराबर करोगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा एक्स की वैल्यू ट्वेल्व, ठीक है। और अगर आप एक्स प्लस फाइव को जीरो के बराबर करोगे तो यहां से आपको एक्स की वैल्यू मिलेगी माइनस फाइव, और आप सब जानते हैं कि साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, यानी कि ये वैल्यू होगी नेगेटिव, तो यानी कि जो बेस होगा वो 12 होगा, यानी कि एक्स कितना होगा 12 सेंटीमीटर होगा, तो ये इससे कितना कम है, आप कहेंगे सात कम है, यानी कि ये 5 सेंटीमीटर होगा, यही आपका आंसर है, यही आपका आंसर है। और आप सभी जानते हैं 12 5 और 13 ये ट्रिपलेट है, ये आपका ट्रिपलेट है, 5 12 और 13 ये आपका ट्रिपलेट है, ट्रायंगल चैप्टर में मैंने समझाया हुआ है, ठीक है। तो 5 12 13 आपका क्या है ट्रिपलेट। तो आई होप आपको ये सॉल्यूशन समझ आया होगा, मैं बिल्कुल इजीएस्ट वे में आपको, देखो मैंने यहां पर आपको फैक्टराइज का रिकमेंड क्यों किया, इसलिए किया क्योंकि ये छोटी इक्वेशन थी, इसको आप आसानी से सोल्व कर सकते थे यार, इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाते तो ए बी सी की वैल्यू को निकालो पुट करो फिर उतना ही बड़ा प्रोसेस बनता, लेकिन उस फॉर्मूले का इस्तेमाल तो जब करना है जब हम ऐसी इक्वेशंस को देखेंगे जो इक्वेशंस को हम फैक्टराइज नहीं कर सकते, है ना भाई। ब्रह्मास्त्र तभी तो निकाला जाता है जब सारे अस्त्र क्या हो जाए काम करना बंद कर दे, तो ब्रह्मास्त्र तो हम निकालेंगे, अभी तो ये वाला अस्त्र काम कर सकता था, हमने इसी अस्त्र को लगा दी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सवाल समझ आ गया होगा, और अगर समझ आ गया है तो प्लीज अपना प्यार जरूर बरसाते रहें, और जो हमने एम रखा है 200 लाइक का वो जरूर अचीव करवाएं, उससे ये होगा कि साइंस की भी स्पेशल सीरीज निकालेंगे, ठीक है, वहां पर भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस करवाएंगे। आप यकीन मानिए अप्रैल के बोर्ड से पहले मैथ और साइंस का जो मैं आपको यहां वेटेज करवाऊंगा ना, मैथ और साइंस का, उसमें से इतना सवाल आएगा, और आप खुद यहां पर कमेंट सेक्शन में आके लिखेंगे, ये मेरा दावा है, जिसको नहीं मानना मत मानिए, मुझे किसी को वैसे भी ये नहीं कि 100 बच्चे हैं तो 100 में से सारे बच्चे माने, कोई बात नहीं, जिसको मानना माने जिसको नहीं मानना मत माने, वो तो अपने ऊपर बात है। जब आप बोर्ड का एग्जाम देने जाएंगे तो बहुत सारे सवाल आपको इन्हीं वीडियोस में मिलेंगे, ठीक है, और उसके बाद आकर आप यही कमेंट सेक्शन के नीचे डालेंगे जो भी सवाल आपको जहां भी दिखा होगा, ठीक है। तो आइए अब अपने इस वीडियो के यानी कि इस पार्ट के लास्ट क्वेश्चन को अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं, क्योंकि मैं इस वीडियो को इसलिए छोटा कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा बड़ी वीडियो को आप देखते देखते थक जाते हैं, आंखें थक जाती हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, तो इसलिए कोई बात नहीं, पार्ट वाइज अगर वीडियो बनेगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपको प्राप्त होते रहेंगे, उससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और कॉन्फिडेंस आएगा तो आप बोर्ड में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे, क्योंकि देखिए सारा सब कुछ आना ही ये नहीं होता कि आप बोर्ड में सब कुछ कर पाएंगे, बोर्ड में परफॉर्मेंस करने के लिए आपके माइंड में जो प्रेशर होना चाहिए वो कम होना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए, क्योंकि डरता वो है जो कुछ नहीं करता, जो करता है प्रैक्टिस करता है मेहनत करता है उसको कभी भी डरने की जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए डरना नहीं है और बोर्ड में अच्छे से अच्छा परफॉर्म करना है, ठीक है। और एम्बिशन एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, यहां जुड़े रहेंगे तो यकीन मानिए मंजिल आपकी आसान हो जाएगी। आइए अगले सवाल पर चलते हैं। तो देखिए ये है हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को टैकल करने में दिक्कतें आप सभी को आती ही होंगी, जिसको नहीं आती वो तो अच्छे हैं, अच्छी बात है, जिसको आती है अब से नहीं आएगी क्योंकि अब हम समझा रहे हैं। देखिए यहाँ क्या है, मोटर बोट में मैं आपको पहले ये बता देता हूँ अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम का चक्कर क्या है। देखिए ये आपका क्या है, ये वोटर है, पानी का फ्लो है, ठीक है, ये पानी का फ्लो है, और यहां पर है एक बोट, ये आपकी बोट है, ठीक है, ये आपकी बोट है। अब क्या है कि अगर बोट उसी दिशा में फ्लो करे जिस दिशा में पानी का फ्लो है, पानी को हम बोलते हैं स्ट्रीम बोल देते हैं, है ना, करंट बोल देते हैं, ये सब वाटर का फ्लो है, ठीक है, और ये क्या है, ये आपकी बोट है। तो
तो अगर बोट उसी दिशा में फ्लो करे जिस दिशा में आपका पानी बह रहा है, तो आप खुद सोचिए कि बोट जल्दी पहुंचेगी, है ना, रादर देन किसके मुकाबले, अगर यही पानी का फ्लो हो और पानी का फ्लो तो है इधर और अब बोट इसके अगेंस्ट जाना चाह रही है, यानी कि ऐसे जाना चाह रही है इस तरफ हो, तो अब आप खुद सोचिए कि सबसे पहले कौन सी इस पॉइंट पर आ जाएगी, इस पॉइंट पर सबसे पहले कौन आ जाएगा, ये वो पॉइंट है जहां पर रेस इनकी खत्म होनी है। तो आप कहेंगे ऑब्वियसली बात है ये वाली बोट जल्दी आ जाएगी, क्यों, क्योंकि इस बोट को ज्यादा एफर्ट करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि यहां पॉजिटिव वर्क मिलेगा। अरे वर्क आपने सभी ने पढ़ा है नाइन्थ में, वर्क क्या है भाई, अगर मोशन की डायरेक्शन में ही इसका मोशन हो जाए, यानी कि जिधर अगर पानी का प्रवाह है अगर उधर ही बोट फ्लो करेगी तो इसको ज्यादा एफर्ट नहीं करना पड़ेगा और ये जल्दी से अपने रीच पॉइंट पर यानी कि डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएगी, जबकि यहां बड़ी मशक्कत है क्योंकि यहां बोट जाना चाहती है मोशन के अगेंस्ट, भाई पानी का फ्लो है इधर और बोट जाना चाहती है इधर, तो इसको पहुंचने में इसके मुकाबले ज्यादा समय लगेगा, लगेगा या नहीं लगेगा, इसको ज्यादा समय लगेगा इस पॉइंट के मुकाबले। तो जहां ज्यादा समय लगता है यानी कि जब पानी के अगेंस्ट फ्लो करती है, इसको बोला जाता है डाउन स्ट्रीम, क्या कहा जाता है, डाउन स्ट्रीम, ठीक है, इसको कहा जाता है डाउन स्ट्रीम और इसको कहा जाता है अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। तो अप स्ट्रीम में क्या होता है, अप स्ट्रीम में ये होता है कि बोट की स्पीड और पानी की स्पीड दोनों मिलकर काम करते हैं, जिसकी वजह से अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी हो जाती है, एक्स प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। लेकिन डाउन स्ट्रीम में क्या होता है कि यहां पर जो पानी की स्पीड है, देखो पानी की स्पीड को अगर मैं क्या मानू, अगर मैंने पानी की स्पीड को यहां पर पानी की स्पीड को y माना हुआ है और बोट की स्पीड को x माना हुआ है, तो डाउन स्ट्रीम में क्या होता है, डाउन स्ट्रीम में ये होता है कि x माइनस y होता है, x माइनस y होता है, यानी कि यहां पर रिलेटिव स्पीड x माइनस y की होती है, बोट जाती है x किलोमीटर पर आवर से और पानी फ्लो कर रहा होता है y किलोमीटर पर आवर से, ठीक है। तो आपको बस यही बात याद रखनी है कि अप स्ट्रीम में दोनों की स्पीड टोटल हो जाती है और डाउन स्ट्रीम में दोनों की स्पीड माइनस हो जाती है, बस आपको इतनी बात अगर याद है तो पूरा कंसेप्ट डिस्टेंस टाइम और स्पीड का ही लगेगा, ठीक है। बस अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में यही अंतर है कि अप स्ट्रीम में जो स्पीड होती है वो एड हो जाती है बोट और पानी की, और जो डाउन स्ट्रीम है उसमें वो स्पीड आपकी क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है। अब आइए जल्दी से सवाल को सोल्व कर देते हैं। सवाल था अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर पर आवर इन स्टिल वाटर, यानी कि हमसे क्या कहा है, हमसे कहा है कि जो बोट है ना, अ मोटर स्पीड हुज बोट, हुज स्पीड यानी कि स्पीड ऑफ बोट आपको दे रखी है, स्पीड ऑफ बोट आपको दे रखी है जो कि कितनी है 18 किलोमीटर पर आवर, बहुत ध्यान से आप समझेंगे, टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम देन टू रिटर्न डाउन स्ट्रीम, यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो बोट है ना वो अप स्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लेती है, किससे, किसके मुकाबले, डाउन स्ट्रीम के मुकाबले। भाई देखो ये पानी का फ्लो है, ये पानी का फ्लो है, ठीक है, ये पानी का फ्लो है, ये एक किनारा है ये दूसरा किनारा है, जब बोट यहां से जाती है, जब बोट यहां से जाती है कितनी स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और पानी का फ्लो भी इस डायरेक्शन में, तो आप कहेंगे ये क्या हुआ, ये हुआ जी डाउन स्ट्रीम। लेकिन जब बोट यहां इस किनारे को छूकर वापस आती है तो देखो पानी का फ्लो थोड़ी इधर से रिवर्स हो जाएगा, नहीं, पानी तो ऐसे ही फ्लो करता रहेगा, तो यानी कि जब ये वापसी आती है तो अप स्ट्रीम में। लेकिन यहां पर ये कंडीशन उल्टी है, यहां पर कंडीशन ये कह रही है, यहां पर कंडीशन क्या कह रही है, यहां पर कंडीशन कह रही है कि जब वो यहां से जाती है, जब वो ए पॉइंट से जाती है तब तो वो जाती है किसमें, तब वो जाती है अप स्ट्रीम में, यानी कि इस पानी के फ्लो को इधर कर देते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, ठीक है, पानी का फ्लो किधर है, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट। तो अब क्या होगा, देखो बोट इधर जा रही है और पानी का फ्लो इधर है, तो दोनों अपोजिट हो गए, तो यानी कि कैसी स्ट्रीम हो गई, ये स्ट्रीम हो गई अप स्ट्रीम। अब जब ये इधर से वापसी करेगी, वापसी करेगी, देखो बोट भी इधर है और पानी का फ्लो भी इधर है, तो ये कैसी स्ट्रीम हो गई, डाउन स्ट्रीम। तो वो यही कह रहा है कि जब बोट अप स्ट्रीम जाती है तो 1 घंटा फालतू लेती है डाउन स्ट्रीम में आने से। तो अगर अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम की तो अभी बात करेंगे, अभी मेरे को ये बताओ कि बोट की स्पीड कितनी है, आप कहेंगे 18 किलोमीटर पर आवर, तो जल्दी से बताओ पानी की स्पीड क्या होगी, आप कहेंगे जी पानी की स्पीड तो दे ही नहीं रखी, अरे भाई नहीं दे रखी तो मानो स्पीड ऑफ वाटर को क्या मान लो, आप कहोगे एक्स किलोमीटर पर आवर, एक्स किलोमीटर पर आवर। देखो स्ट्रीम को ही पानी कहते हैं, स्ट्रीम हो गया, वाटर हो गया, करंट हो गया, एक ही बात है, ठीक है। तो स्पीड ऑफ बोट भी आ गई, स्पीड ऑफ वाटर भी आ गई, अब जल्दी से मुझे बताओ अपस्ट्रीम कितनी होगी, आप कहेंगे अप स्ट्रीम में दोनों स्पीड क्या हो जाती है, माइनस हो जाती है, यानी कि 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर। डाउन स्ट्रीम की बात करें तो डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाती है, दोनों स्पीड प्लस हो जाती है, यानी कि 18 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर।
तो अप स्ट्रीम हमारे पास, डाउन स्ट्रीम हमारे पास। अब सवाल को कर लेते हैं, भाई सवाल क्या कह रहा है। सवाल अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो सवाल कहना चाह रहा है वो ये कहता है कि जब बोट अप स्ट्रीम में जाती है तो डाउन स्ट्रीम में जितना भी समय लगता है उससे एक घंटा फालतू लेती है। यही तो कह रहा था सवाल। सवाल ये कह रहा था जब बोट अप स्ट्रीम में जाती है तो डाउन स्ट्रीम में लिया गया समय से एक घंटा फालतू लेती है। अब अप स्ट्रीम में कितना टाइम लेगी, आप देखिए डिस्टेंस कितनी कवर करनी है। डिस्टेंस उसको करनी है 24 किलोमीटर, यानी कि डिस्टेंस कितनी है 24 किलोमीटर। तो टाइम कैसे निकालते हैं, हमें हमने पढ़ा है टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो देखिए डिस्टेंस तो 24 और अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी है, आप कहेंगे 18 माइनस एक्स बराबर। डाउन स्ट्रीम में क्या होगा भाई, डिस्टेंस तो वही है 24 किलोमीटर बराबर, और अब की बार डाउन स्ट्रीम की स्पीड कितनी है 18 प्लस एक्स और प्लस वन। तो यहां से इक्वेशन क्या बनेगी, यहां से इक्वेशन बनेगी 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स और बराबर हो जाएगा 1। कितना हो जाएगा 1। आप क्या करेंगे, आप यहां से 24 को कॉमन ले लेंगे। जब आप 24 को कॉमन लेंगे क्या आएगा, 1 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन 18 प्लस एक्स, ठीक है। और बराबर में क्या बचेगा, बराबर में बचेगा 1। अब इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो ऊपर हो जाएगा 18 प्लस एक्स माइनस, इधर आ जाएगा 18 माइनस एक्स और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाई ऑफ 18 प्लस एक्स बराबर। देखो ये जो 24 है ना, इस 24 को यहां से इधर ले आओ तो ये इसके नीचे आ जाएगा, यानी कि 1 अपॉन 24। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, इसको यहां लिख लेते हैं। इक्वेशन क्या बनी थी, इक्वेशन बनी थी 18 प्लस एक्स माइनस 18 माइनस एक्स अपॉन 18 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 18 प्लस एक्स और बराबर में कितना बचा था, 1 अपॉन 24। आइए अब इसको सॉल्व करते हैं। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर आएगा 18 प्लस एक्स माइनस 18 और माइनस माइनस प्लस एक्स अपॉन, नीचे देखिए ए माइनस बी और ए प्लस बी, आइडेंटिटी आपको पता होनी चाहिए। ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होती है, आप कहेंगे इस आइडेंटिटी को बोलते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यानी कि यहां पर हो जाएगा 18 का स्क्वायर और माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर कितना है, 1 अपॉन 24। देखिए माइनस 18 से प्लस 18 कट गया तो ऊपर तो आ गया एक्स प्लस एक्स यानी कि 2x अपॉन 18 का स्क्वायर होता है 324 माइनस एक्स स्क्वायर और बराबर हो जाएगा 1 अपॉन 24। क्या करेंगे आप, डू क्रॉस मल्टीप्लाई, जब डू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 24 2 48x बराबर, इधर 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर। मैंने आपसे कहा था कि हमारी प्राथमिकता या प्रायोरिटी जो होती है वो एक्स स्क्वायर को पॉजिटिव बनाने की होती है। तो बस हम इस इक्वेशन को उठाएंगे और यहां रख देंगे, जब यहां लाएंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस का और माइनस का हो जाएगा 324, क्योंकि ये यहां पर क्या था प्लस और ऑलरेडी वहां पर 48x किस में था, प्लस में था, बराबर हो गया 0। बन गई इक्वेशन हमारे पास। अब हमारे पास जब इक्वेशन बन गई है तो जल्दी से बताओ ई की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे ई की वैल्यू जी 1, बी की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे जी माइनस 324 और सी की वैल्यू कितनी होगी, आप कहेंगे जी 48। बस अब लगाइए अपने धराचार्य फॉर्मूला को। क्या था धराचार्य फॉर्मूला, वो था x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। अब देखिए माइनस बी, भाई ऑलरेडी यहां पर माइनस है यानी कि माइनस 324 है और एक माइनस यहां पर है तो ये तो हो जाएगा प्लस का ही 324, ये तो हो गया प्लस का, ठीक है। प्लस माइनस अंडर रूट, माफ कीजिए, यहां पर थोड़ी सी हमने गलती कर दी। इक्वेशंस को हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखनी चाहिए, वरना ये गलतियां देखो हो ही जाती है ना। देखिए इक्वेशन बनेगी एक्स स्क्वायर और प्लस का 48x पहले लिखेंगे और फिर लिखेंगे माइनस का 324। भाई जो फॉर्मेट हमने सीखा है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ऐसी तो सीखा था, तो हमें इसी स्टैंडर्ड फॉर्मेट में इक्वेशन लिखनी चाहिए। तो a की वैल्यू 1 होगी, b की वैल्यू होगी 48 और c की वैल्यू होगी माइनस 324। अब सही है, तो देखो यहां b की वैल्यू है प्लस 48, जब यहां रखेंगे तो माइनस का 48 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर यानी कि 48 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है, आप कहेंगे माइनस 324, माइनस यहां पर कर दोगे तो प्लस बन जाएगा और 324 और अपॉन में कितना है 2a का मतलब केवल 2। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, माइनस 48 प्लस माइनस,
देखिए 48 का अगर स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर निकालने भी मैंने सिखाए हुए हैं, 48 का स्क्वायर होता है 2304, ठीक है, प्लस, और इधर आएगा जब 324 की 4 में करोगे तो ये हो जाएगा 1296 और अपॉन में 2। अब इसको लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 48 प्लस माइनस, देखो जब इसको आप ऐड करोगे तो ये ऐड करके बनेगा 3600 अपॉन में 2, ठीक है। सॉल्व करते हैं, माइनस 48 प्लस माइनस 3600 का स्क्वायर रूट क्या होता है 60 और अपॉन में 2, ये हमारा x की वैल्यू आ गई। अब x की दो वैल्यू बनेंगी, एक x1 होगा जो प्लस में होगा यानी कि माइनस 48 प्लस 60 और अपॉन में 2, एक तो वैल्यू ये बनेगी और एक वैल्यू बनेगी x2 बराबर माइनस 48, आपकी बार बीच में माइनस रख लेंगे, माइनस 60 अपॉन 2, और इस वैल्यू को तो हमें लेना ही नहीं। अब बता दो क्यों नहीं लेना, क्योंकि भाई स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इस वैल्यू को आपको क्या करना पड़ेगा, नेगलेक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ स्पीड आएगी नेगेटिव, जो कि स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं लेनी, तो इसलिए केवल यही वैल्यू आपकी आंसर दे देगी। तो माइनस 48 और प्लस 60 यानी कि कितना हो गया 12 अपॉन 2, इससे इसको काट दिया, आंसर इज 6 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो वाटर की स्पीड होगी या स्ट्रीम की स्पीड होगी वो कितनी होगी, 6 किलोमीटर पर आवर होगी, कितनी होगी 6 किलोमीटर पर आवर होगी। अब अगर आपको ये सवाल समझ आया है, अगर आपको ये सवाल समझ आए हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो के एम को अचीव करवाएं, ठीक है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आती रहेंगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ध्यान रखिए।